झमाझम बारिश हो गई यहाँ पे देखिए आप लोग। तो भाई यहाँ पर बारिश ना रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है, लगातार तेज बारिश हो रही है यहाँ पर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने घरों के अंदर ही होंगे, क्योंकि आप लोग समझ जाइए क्योंकि बाहर हो रही है बहुत तेज खतरनाक वाली बारिश। तो बारिश ने तो बड़ा दिक्कत कर दिया यार, कल शाम से इतनी लगातार बारिश है ना हमारे गाँव में, मतलब हमारे इलाके में जो भी यहाँ पर बहुत खतरनाक बारिश है। लेकिन जहां मुझे लगता ना अधिकतर मतलब हमारे उत्तराखंड में ही बारिश हो रही है हर जगह, तो यहाँ तो बहुत खतरनाक हो गया, डर लग रहा है मतलब कहीं मतलब। चलो गाइस चलते हैं सीधे बाहर को, निकलते हैं एक बार बाहर को, दिखाते हैं आपको कितनी तेज बारिश है, क्या है बाहर का नजारा, क्या है स्थिति बाहर की, मैं दिखाता हूँ आपको सीधे बाहर जाकर, बने रहिए हमारे साथ। ओहो इतना की यार, तो भाई यहाँ पर बारिश ना रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है, लगातार तेज बारिश हो रही है यहाँ पर। और तो उस कारण से ना मैंने रेनकोट पहन रखा, देखिए आप लोग, क्योंकि मेरी छाता टूट गई, एक छाता इतनी तेज बारिश है तो छाता भी टूट गई मेरी। अब मैंने कहा रेनकोट पहनता हूँ यार, मतलब देखो बारिश में कर तो करे क्या यार, मतलब बारिश ने तो ऐसा कर दिया। तो गाइस थोड़ा दुकान हो आते हैं, दुकान से थोड़ा सामान लेके आते हैं, थोड़ा आज त्यौहार भी है ना गाँव में, तो हमारे पितर लोग होते हैं उनका कोई त्यौहार होता है, तो त्यौहार का सामान लेने के लिए मैं जा रहा हूँ दुकान में। यह है दुकान, गाइस मैं जा रहा हूँ दुकान में। हाँ भैया कुछ खिला दो यार, चीजी खा लो, खालो ले लो यहाँ से। हैं दुकानदार कहाँ है? दुकानदार आ रहे हैं, आ रहे हैं, बुलाओ उनको यार। थोड़े क्या क्या मिलते, सब मिलते हैं यहाँ। आ जी आ जाओ यार, सुबह से इतनी चाय हो गई ना, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, मैं दुकान में गया, दुकान वाले मुझे चाय पिला दिए, मतलब बहुत ही खतरनाक तेज बारिश हो रही है यहाँ पर। तो चक्कर में देखो छाता भी कुछ काम नहीं कर रही है। तो गाइस मैंने बताया आपको कि आज हमारे उत्तराखंड में त्यौहार है, वो है हमारा आपका पितृ अमावस्या, यानी अश्विन अमावस्या, जिसे हमारे लोकल भाषा में पहाड़ी कुमाऊनी में पितृ अमावस भी कहते हैं। तो ये है, तो एक बार देखते हैं अंदर क्या क्या बन रहा है। बारिश तो है लगातार हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही बारिश, खतरनाक है आज बारिश। ओहो मौसम देखिए आप लोग, तगड़ा हो गया रात तो सीन यार। तो गाइस देखते हैं अंदर त्यौहार का क्या क्या सामान, पकवान हमारा बन चुका है, देखते हैं एक बार, चलते एक बार अंदर क्या क्या बना देखते हैं। क्या क्या बन गया, क्या क्या बन गया सामान, खाना क्या क्या बन गया, पकवान है खा भी लिया, दिखा तो क्या खा रहे तुम्हें, पूरी क्यों खा रही, फिर क्या क्या बन गया। और ये देखो भाभी जी ने बना दिया है पकवान, ये क्या बन रहा है, पकौड़ी, क्या है रे बच्चों आज त्योहार, तुमने खा लिया, हाँ। मुझे भी खिलाओ फिर, ना है नहीं है, चलो गाइस चलते हैं बाहर पे। ये देखिए मिर्च है, क्योंकि बारिश तो बाहर हम इसको रख नहीं सकते हैं, क्योंकि बारिश में भीग जाएगी, खराब हो जाएगी मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च को लाल कर दिया, मिर्च हमारी मेहनत हमारी, ये देखिए। ओहो गजब हो गया आज तो यार।
बारिश ना रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। और त्योहार का भी हमारा खाना यानी पकवान जो है वो रेडी है। थोड़ा एक बार नीचे का माहौल देख के आते हैं कैसा हो रहा माहौल आज का। बारिश ने तो मतलब हालत ही खराब कर दी यार। वैसे भी हो रहा है, दिखाते हैं बार आपको आगे का भी। शायद मुझे मार्केट जाना पड़ सकता है क्योंकि दुकान में जो है आपका दूध दही खत्म हो चुका है। तो शायद मैं जा सकता हूँ अभी मार्केट। इस बारिश में जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि जाना पड़ता है यार, दूध दही लेने के लिए जाना पड़ेगा मुझे मार्केट। हम लोग जा रहे हैं मार्केट सामान लेने के लिए, दूध दही मैंने बताया आपको। तो मैं मार्केट हुआ आता हूँ, दूध दही लेके आता हूँ, उसके बाद देखते हैं। और एक बार दिखाता हूँ आपको रोड कितनी ब्लॉक है, रोड में मलबा आया है क्या है, रोड खराब तो नहीं है, रोड ब्लॉक तो नहीं है, तो दिक्कत नहीं है। मैं दिखाता हूँ आप लोग को, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही मिलते हैं हम आपको। देखो भाई साहब ने बकरी खोल दी, और ये अच्छी बात है हमारे गाँव में जो है ना मार्ग बन चुका है अच्छा वाला। पहले मार्ग से जो रास्ता था हमारा ऐसी था, काम चलाओ पक्का कर दिया, लेकिन बारिश से देखो फिर मलबा आ गया। ये देखो ला, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट को और दूध दही जाते हैं। और गाइस हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, और जो है ना अभी बारिश थोड़ी रुकी हुई है, देखो क्या होता है। और हम आपको ऐसे ही आगे नज़ारे दिखाते रहेंगे आज के, बने रहिए आप हमारे साथ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों में अगर थोड़ी सी बारिश हो गई ना तो रोड का ये हाल हो जाता है। देखिए लो आप लोग, ऊपर से नाला आ रहा है, पानी इतना बह रहा है और रोड में इतने पत्थर आ चुके हैं। देखिए अब तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आपका मेन रोड में, और जो भी है किस्मत सही है यार, मतलब आपका बारिश रुकी है इस टाइम अभी, तो किस्मत अच्छी हमारे धूप भी आ गई है। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं शॉप पर, अब दूध लेते हैं और निकलते हैं हम भी घर को, क्योंकि वहां पर वेट कर रहे हैं खाने का, हम भी निकलते हैं घर को दूध को। देखिए ये हमारे भाई साहब की दुकान है, शिवालिक करके है, साइबर कैफे भी यहां पर, सीएससी सेंटर है, सारा कुछ मिलेगा आपको, स्टेशनरी का सामान भी यहां पर सारा आइटम मिलेगा आपको, सारा काम होगा यहाँ पर। उपराड़ी रानीखेत, रानीखेत रोड पर है ये, आपका रानीखेत रोड पर है आपका NH24 रानीखेत रोड है, जस्ट के बगल में ही इनकी दुकान। लोकेशन बताते हैं, आपका बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और स्ट्रीट लाइट लगी है यहाँ पर, गौरव मंदिर है हमारा यहीं पर है, और बगल में पोस्ट ऑफिस है समझ लीजिए आप लोग ना। मिलाते हैं भैया से आपको, दिखाते हैं इंट्रो कराते हैं। तो ये हमारे भाई साहब, अच्छा तो आपने सारा सामान रखा है यहाँ पर, सब कुछ मिलता है यहाँ पर सीएससी सेंटर में, सारा जो भी डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं फॉर्म भरते हैं सारे यहाँ पर, देखो सब लिखा है यहाँ पर, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब और बाकी ऊपर लिखे हैं हाँ, और बोर्ड में दिखा दिया मैंने आपको, प्लास्टिक को हमने बैन कर रखा है। हाँ ये प्लास्टिक बंद है, और सारा कुछ है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, गूगल पे फोन पे पेटीएम सब कुछ हो जाएगा। हाँ ये देखो रामलीला आज कल से स्टार्ट है, हम लोग भी बढ़ते हैं घर को, हमने सामान ले लिया हमने, हम लोग भी निकलते हैं घर से। ठीक है भाई थैंक यू, वेट भी कर रहे हैं। ठीक है ठीक है,
गाइस मौसम भी खुल चुका है, धूप आने की संभावना है मुझे लग रहा है, हल्की फुल्की धूप तो आ गई यहाँ पर, देखो क्या होता है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, तो गाड़ी पर पार कर दिया हम लोग ने, हम निकल गए घर को। गाइस यहाँ पर ढोलना पड़ता है सामान यार, और धूप भी आ गई है, बढ़िया हो गया। और मेरे गांव के ना देखो इस टाइम इन्होंने मतलब अच्छा किया है, रास्ता बड़े बना दिया लोगों ने, सीमेंटेड पूरा बढ़िया वाला। ये अच्छी खबर है हमारे लिए, खबर है गांव वालों के लिए, रास्ता टनाटन बना दिया है। और मैं लेके आ रहा इतना सारा दूध, दूध दही लेके आ रहा हूँ मैं। धूप आ चुकी है, शायद मौसम खुल सकता है, हल्की फुल्की धूप आ गई यहाँ पर, इस साइड भी धूप आ गई हमारी। सुबह से बारिश है, कल शाम से बारिश, बहुत लगातार बारिश है, अभी दिन के 1 बजे है आपका, तो थोड़ा मौसम खुला हुआ है, धूप आ गई है हल्की फुल्की। खाना खाते हैं, मिलते हैं, बकरी भी आई है खाने के लिए, आजा तू भी खाएगा। तो भोजन करते हैं, भोजन भी तैयार है।